JLPT के एग्जाम को अपीयर करते समय या फिर जापानीज लैंग्वेज जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करी है और JLPT के एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि अपने सभी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अलग अलग एंगल से अलग अलग पार्ट से मैं देता रहूं, लेकिन आज का जो वीडियो है इसको एंड तक देखते रहिए क्योंकि इसके अंदर मेरी पूरी कोशिश है कि जो बिल्कुल जिन्होंने JLPT अभी तक अटेम्प्ट किया ही नहीं है या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो कि एडवांस में पहुंच गए हैं लेकिन फिर भी वो गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों को एड्रेस करने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आपको जैसे OMR शीट, आपको साइकोलॉजी की या ट्रेनिंग की चीज़ें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इन चीज़ों का आपको सीखने को मिलेगा। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन, OMR शीट को ना समझ पाना। देखिए OMR शीट बड़ी ही सिंपल होती है, जो अगर आप नॉर्मली आपने अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स को अपीयर किया हुआ है तो OMR शीट का मतलब होता है 4 ऑप्शंस में जो राउंड होते हैं, सर्कल होते हैं, उसमें से आपको एक सर्कल को कलर करना है जिससे आप अपना आंसर बता पाएँ। तो जापानीज लैंग्वेज में JLPT में OMR शीट में क्या गलती, सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक्स जो बच्चे कर देते हैं वो है रे यानी कि एग्जाम्पल। देखिए जिन्होंने अभी तक अपीयर नहीं कराए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि एक क्वेश्चन चाहे वो लिसनिंग है चाहे वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे बुम्पो होती है मोजिगोई होती है उनमें एक रे ज़रूर होता है। रे का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल वो दे के दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। जो लोग इस गलती को करके अपने सीक्वेंस को बिगाड़ चुके हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं कराया वो ध्यान से सुने कि वो एग्जाम्पल का ऑलरेडी सर्कल होता है और हम लोग समझते हैं कि वो जो ट्रैक चला है वो पहला क्वेश्चन है। तो उस पहले क्वेश्चन को अगर हमने जैसे उसका आंसर है 3 और हमने भी उसको फर्स्ट क्वेश्चन पर 3 कर दिया, अब चला है वो सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर है 2 हमने उसको 2 कर दिया लेकिन उसका आंसर कुछ और था, तो ये गलती हो जाती है, पूरा सीक्वेंस आगे तक बिगड़ जाता है। फिर स्टूडेंट्स को ध्यान आता है कि अच्छा उन्होंने तो गोबान बोला है या रोकोबान बोला है या नानाबान बोला है लेकिन मैं जब नानाबान बोला गया तो मैं हूँ हाचीबान पर। तो अब वहीं पर होता गया कि कुछ स्टूडेंट्स मिटाते हैं उसको फिर ठीक करते हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती। इनफैक्ट मैं ये इस के थ्रू इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज और कन्वे करना चाहता हूँ, ये सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को बताना कि सिर्फ कांजी सिखाना सिर्फ वोकेबलरी सिखा के स्टूडेंट्स को भेज देना, उनको ये ना बताना कि बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेज आएंगे। जैसे मेरे पास कॉल करके स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एक पेज पूरा हीरागाना का भरा हुआ था उसमें क्या करना था, तो मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ कि इतना 6 महीना उन्होंने मेहनत करी है N5 के लिए पूरी प्रिपरेशन करी है और वो उसको दोक्काई कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना होता है उनको यही नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी ट्रेनिंग जो है वो आपको होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट्स को ये स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे चौकाई चल रही है एक क्वेश्चन गलत हो गया तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि वो घबरा जाते हैं, हो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, अगले क्वेश्चन में भी वो पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हैं वो भी गलत हो जाता है, पूरा सेक्शन गलत हो जाता है, फिर वो ये सोचते हैं कि इसमें तो अब अलग अलग सेक्शंस में भी पास होना है टोटल एग्रीगेट से कुछ नहीं होता, तो पूरा एग्जाम ही उनका खत्म हो जाता है और वो वहीं हार मान लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, याद रखिएगा OMR शीट का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको हमेशा विजुलाइज करके ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट रखिए। और अब हम बढ़ते हैं गलती नंबर 2 जो कि थोड़ा सा ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से उसका लेने देना है और ये गलती भी चौकाई से इन्वॉल्व्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल चौकाई हम जब करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस वर्ड को मैंने कहीं पर मुझे ना पढ़ा हुआ मिल जाए तो मैं स्क्रिप्ट देख देख के समझ लूँगा कि ये कहना क्या चाहते हैं तो मुझे मीनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, लेकिन आप खुद समझिए कि अगर तेज़ी से बोला जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल शोरुई का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स और शुरुई का मतलब होता है वैरायटी काइंड टाइप, तो क्या आप चौकाई बहुत तेज़ जो चल रही है उसमें इतना डिफरेंस पता लगा पाएंगे? नहीं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है सुन सुन के, पढ़ने से तो आपको पता चल जाएगा ये शोरुई की कांजी है ये शुरुई की कांजी है। तो ये बहुत एक फंडामेंटल ट्रेनिंग पॉइंट है चौकाई के लिए। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा यही है कि चौकाई को बिल्कुल पहले दिन से स्टार्ट करें, चाहे आप N2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे आप N5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले दिन जिस दिन आपने बुक स्टार्ट करी है अपना लेवल स्टार्ट कराए चौकाई की प्रिपरेशन अपने साथ साथ। देखिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ हालांकि ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर आता है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बहुत ज़्यादा
आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब मुझे हर बार चौकाई भी करनी है, दोकाई भी करनी है, कांजी भी याद करनी है। सिर्फ अपना एक डिसिप्लिन, अपना एक मेंटल स्टेट बनाइए, अपना एक डिफाइंड प्लान बनाइए। अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो भी आप एक लेवल को 6 महीने में पार कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, आप अगर आधा घंटा पढ़ते हैं तो अगले दिन आप फिर से आधा घंटा पढ़ेंगे, उससे अगले दिन फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, ये ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे वो 45 मिनट्स हो जाएगा, फिर वो 60 मिनट्स हो जाएगा, फिर वो अपने आप ही एक दिन 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटा बन जाएगा। और यही आपको तरीका पहली बात जापानीज लैंग्वेज से लगाव करना, प्यार करना सिखा देगा, और साथ साथ आपको JLPT को एक बार में पार करना सिखा देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसको कहते हैं स्केल। जी हाँ, स्केल। स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब है एक मापदंड, यानी कि एक पर्टिकुलर स्केल में, एरिया में अगर आपने अपने पढ़ाई के क्वांटम को, यानी कि पढ़ाई की क्वांटिटी को फिट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 6 महीने में मुझे N1 का लेवल क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सबसे पहले जो बुक्स हैं, जैसे दोकाई की बुक्स हैं या चोकाई की बुक्स हैं, उनको अरेंज करूँगा। उसके बाद मैं अपना स्केल सेट करूँगा। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरी जॉब भी है साथ में और मुझे 6 महीने में ही पूरा एक लेवल कंप्लीट करना है, तो मेरे पास डेली का ऑनेस्टी से 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधा घंटा कितना टाइम है, उस स्केल के हिसाब से मैं पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक 100 पेज की है, या फॉर एग्जांपल 100 दोकाई हैं इसके अंदर, और इन दोकाई, इस एक दोकाई को मैं एक बार में कर सकता हूं या एक बार में 4 दोकाई कर सकता हूं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और उस डिसिप्लिन को चला के रखिए, उस डिसिप्लिन को ऐसे चलाइए कि पहले दिन भी वही मैं सेम चीज़ 1 घंटा पढ़ रहा हूं, उसमें चौकाई भी है, दोकाई भी है, चाहे छोटा छोटा है, कम कम है, और आखिरी दिन, अगले दिन एग्जाम है, आखिरी दिन मैं उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूँ जैसे मैंने पहले दिन इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। इसको कहते हैं स्केल। देखिए, स्केल और डिसिप्लिन सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करने लगेंगे तो आपको एक दिन इससे इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आप खुद ही करने लग जाएंगे, खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, किसी के सिखाने या फिर किसी से डिपेंड होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। अब आती है बात फोर्थ पॉइंट की, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है। बच्चे क्या करते हैं, जो कि थोड़ा थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, थर्ड मिस्टेक से रिलेटेड है, स्केल नहीं बनाते और वो एग्ज़ाम के एंड में पढ़ना शुरू कर देते हैं, एग्ज़ाम कोर्स ख़त्म होने के एंड में पढ़ना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है, अगले हफ्ते एग्ज़ाम है। ध्यान दीजिए, ये फोर्थ पॉइंट जो है, ये नेचर और टाइप समझाने के लिए मैंने बनाया है। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं JLPT में, इसको समझिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको सब्जेक्टिव कुछ नहीं लिखना, जैसे आपको बहुत बड़ा कोई एस्से लिखना है या आपको कोई कविता लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कविता या एस्से है उसको समझ के एक आंसर लगाना है, और इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि इनपुट है, मतलब हमें जो दिखाया गया है, जो सुनाया गया है, उसको इनपुट करके आपको एक बस आंसर बताना है, आउटपुट कुछ नहीं करना है। जो एंड में पढ़ने का तरीका होता है, जैसे अगर मेरा कल एग्जाम है और मैं आज सारी वो वोकेबलरी कांजी वगैरह रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो सब्जेक्टिव के लिए होता है। ये आपको पहले से ही शुरू करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन चारों चीजों में। देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि स्मार्ट या इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है जापानीज लैंग्वेज, खासतौर पर जापानीज लैंग्वेज के लिए। दूसरे कोर्सेज का मुझे नहीं पता, लेकिन जापानीज लैंग्वेज JLPT के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, मोटिवेटेड रहना जरूरी है। मोटिवेटेड रहना ही नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इन चारों पॉइंट्स को हमेशा याद रखें, बार बार इनको एक मोटिवेशन के तौर पे सुने, समझें और डेली फॉलो करने की कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।